हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आधार कार्ड से रिलेटेड एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो 90% लोगों को ही पता होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर पता चली गया होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे 5 मिनट में कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। या तो आपने अभी तक कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया है तो मैं वो भी बताऊँगा, या आप कर चुके हो। यदि आपका मोबाइल नंबर खो चुका है या बंद हो चुका है तो आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आपने YouTube पर मोबाइल नंबर लिंक करने की बहुत सी वीडियोज देखी होगी बट आपको वहाँ से कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला होगा, तो उस वीडियो पर वो बताते होंगे कि आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, उसके साथ साथ 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा और आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस ट्रिक की मदद से आप घर बैठे 5 मिनट में आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी पोस्ट ऑफिस में और ना ही किसी आधार सेंटर में जाने की ज़रूरत है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। दोस्तों, आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस ट्रिक को पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर बताता हूँ। सो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। देन आपको गूगल पर uidi.gov.in टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करते ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आपको ऑर्डर आधार रिप्रिंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, तो आपको नीचे आकर यहाँ पर आपको एक लॉगिन ऑप्शन दिखेगा। तो लॉगिन आप दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है आधार नंबर से, जो 12 डिजिट का होता है, और दूसरा मेथड है वर्चुअल आईडी से, जो 16 डिजिट का होता है। तो मैं आधार नंबर से लॉगिन करूंगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। चाहे आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया हो, चाहे आप मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट करना चाहते हो, या आप नया मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो, तो टिक कर देने के बाद आपको न्यू मोबाइल नंबर फिल कर देना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि मोबाइल नंबर न्यू होना चाहिए, मतलब जो नंबर आप यहाँ पर फिल करोगे वो नंबर किसी और के आधार कार्ड में लिंक नहीं होना चाहिए। तो नंबर डालने के बाद हम यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जो नंबर आपने अभी डाला है उस पर OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पर डालने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका नंबर लिंक हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना आधार कार्ड रिप्रिंट करा के घर में ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको 3 प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि मोबाइल नंबर लिंक हुआ है या नहीं। तो पहले प्रूफ में आपको वापस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। देन आपको आधार सर्विस में वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से अपना आधार नंबर और वही मोबाइल नंबर फिल करके कैप्चा वेरीफाई करके सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे OTP फिल कर देना है। देन OTP फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपको यहाँ पर आपका नंबर शो कर देंगे, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यह मोबाइल नंबर हमारे रिकॉर्ड के साथ मैच खाता है या मैच होता है। दोस्तों, दूसरे प्रूफ में अब मैं यहाँ पर उस मोबाइल नंबर की जगह दूसरा मोबाइल नंबर डालकर एक और प्रूफ दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं फिर से वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डिफरेंट नंबर यानी कोई सा भी दूसरा नंबर डाल देता हूँ। डिफरेंट नंबर डालने के बाद आपको फिर कैप्चा फिल कर देना है। देन आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपके द्वारा डाला गया मोबाइल नंबर हमारे रिकॉर्ड के साथ मेल नहीं खाता है, यानी मैच नहीं करता है। और दोस्तों, तीसरे प्रूफ में अगर आपको अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड में चेक करना हो तो उसके लिए आपको वेरीफाई एंड आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आधार नंबर और कैप्चा फिल करके आपको प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लिंक किए गए मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट शो हो जाएगी। तो दोस्तों, 3 प्रूफ के साथ अब आपको पता चली गया होगा कि यह ट्रिक 100% वर्किंग ट्रिक है। तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में 5 मिनट में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ऐसी मज़ेदार ट्रिक पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।